आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम पूरियां बना रहे हैं जिनको आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं और कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। आइए हम देखते हैं पूरियां बनाने में किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। पूरियां बनाने के लिए हमें एक कटोरी आटा, तलने के लिए तेल, एक गिलास पानी, दो चम्मच देसी घी और एक चौथाई चम्मच नमक चाहिए। अब हम आटे को गूंद लेते हैं। सबसे पहले हम आटा डालेंगे, उसके बाद नमक, फिर हम ये देसी घी ये भी डाल देंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिला लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, ज़्यादा ना डालें एक साथ, क्योंकि ज़्यादा डालने से हमारा आटा पतला हो जाएगा। पूरियों का आटा हमेशा सख्त होता है। हमारा आटा तैयार हो गया है, इस तरह का आपको टाइट रखना है और अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा सॉफ्ट हो चुका है। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा देसी हाथ पे और इसको मसल मसल कर चिकना करेंगे। जितना चिकना होगा उतनी ही पूरियाँ अच्छी बनेंगी। अब हमारा आटा पूरी तरह से चिकना हो चुका है, अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। आप दो हिस्सों में करके इस तरह से लंबा सा कर लें, मोटी पतली जैसी आप बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं। ऐसा आप लोइयाँ तोड़ लें बराबर। सभी लोइयों को हम इस तरह से ही तोड़ लेंगे। हमने सभी लोइयों को तोड़ लिया है। अब इनकी गोल हथेली से गोलाई में करके लोई बना लें। आप तेज गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। अब इसके अंदर हम तेल डाल रहे हैं। जब तक तेल गर्म होता है जब तक हम पूरियों को बेल लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएं। इस तरह से आप 3-4 इंच के व्यास में इसको बेल लें। ऐसे ही हम सभी पूरियों को बेल लेंगे। जितनी देर में हमारा तेल गर्म हुआ उतनी ही देर में हमने 4-5 पूरियाँ बेल ली हैं। अब गैस को हम मंदी कर देते हैं और अपनी पूरियों को तल लेते हैं। यदि हम ज़्यादा पूरियाँ एक साथ बेल लेंगे तो हमारी पूरियाँ कड़ी हो जाएंगी। अब हम अपनी पूरी को निकाल लेते हैं और दूसरी पूरी को भी इसी तरह से डालकर तल लेते हैं। और पूरी भी हम इस तरह से ही डाल के तल लेते हैं। कढ़ाई में पूरी को बिल्कुल आराम से डालें, जल्दबाजी ना करें और पलटने में भी आराम से पलटें, जल्दबाजी से में ना पलटें। देखिए हमारी पूरियाँ खाने के लिए तैयार हैं। रोटी खाने का मन ना हो तो आप पूरी बना सकते हैं। खाना भी खिलाना भी मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।